हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टिप्स लेके आई हूँ, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि शैम्पू के साथ ऐसी कौन चीज़ है जो मिलाकर आपकी बाल एकदम झड़ना बंद भी हो जाएगा और कुछ ही दिनों के अंदर नए बाल भी उगने लगेगा। चाहे जितना भी पतला बाल हो, वो कुछ ही दिनों के अंदर घना हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस काम के लिए सबसे पहले गैस पर चढ़ा दीजिए एक बर्तन और उसके अंदर डाल दीजिए एक कप पानी। पानी के अंदर डालना होगा आपको 8 से 10 लौंग और देना होगा मेथी। मैं यहाँ एक चम्मच मेथी दे रही हूँ। अब मेथी देके आपको ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट तक उबालना है। 5 मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब गैस को ऑफ कर दूंगी। अब देख सकती हो, अब क्या करूंगी, इस पानी को एक छन्नी रख के एक बर्तन में छान लूंगी। अब छानने के बाद इसे पूरी तरह आपको ठंडा करनी है और कलर कितना अच्छा ही है ये तो आप देख ही सकती हो। इसे कैसे आप बालों में लगाओगी ये भी मैं वीडियो में बता दूंगी दोस्तों, लेकिन वीडियो अच्छे तरह से देखना। इसे लगाने की भी एक नियम है, अगर उसको आप पालन नहीं किया तो आपके बाल पर ये काम नहीं करेगा। तो फिर क्या करनी है, पहले तो आपको और एक बर्तन लेनी है। अब इस बर्तन में थोड़ा सा पानी मैं डाल लूँगी, तो इस बर्तन में कुछ और इस बर्तन में कुछ पानी डाल लिया। फिर इस बर्तन को मैं साइड में रख देती हूँ और आपको चाहिए एक स्प्रे बोतल। अब जितना पानी यहाँ बची हुई है इस स्प्रे बोतल में मैं उस पानी को डाल लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे बालों में कैसे लगाओगी। इसको लगाने की कुछ नियम है, आप जब चाहे इसे नहीं लगा सकती हो दोस्तों। सबसे पहले क्या करनी है, इसको आपकी बालों पर स्प्रे करना है और स्कैल्प पर भी। स्प्रे करने के बाद 5 मिनट आपको मसाज करनी है। मसाज करने के बाद इसे 2 घंटे तक आपके बालों पर ऐसे ही रखना होगा। फिर आप शैम्पू करके इसे धो सकती हो। और इसे हफ्ता में कितने दिन करनी है ये भी मैं बताती हूँ, आपको ये हफ्ता में 2 से 3 दिन करना ही है। अगर आप 1 महीना इससे करोगी तो आपको रिजल्ट 100% मिल जाएगा दोस्तों। अब चलती हूँ दूसरा प्रोसेस पर। जो पानी मैं यहाँ ले हूँ अब इसे यूज़ करते हैं। तो पहले तो आपको क्या करनी है, और एक बोल लेनी है और लेना है शैम्पू। आप जिस कंपनी का यूज़ करती हो वही वाला शैम्पू आप लेना, और आपके बालों के हिसाब से आपको शैम्पू यहाँ लेना होगा। तो पहले तो मैं यहाँ 2 पैकेट शैम्पू लिया हूँ। फिर इसके अंदर डालना होगा वही पानी, जो पानी मैंने यहाँ बचा के रखी थी वही पानी आपको इसके अंदर ऐड करना है। तो आपके बाल के हिसाब से आप यहाँ पानी डाल सकती हो दोस्तों, और इस पानी को आप स्टोर करके 1 हफ्ता तक रख सकती हो। तो फिर अच्छे तरह से मैंने यहाँ मिक्स कर लिया और कलर भी एकदम चेंज हो गई है। अब मैं बताती हूँ इसे आपको कैसे लगाना है। जब आप नहाने जाओगे उसी वक्त आपको ये पूरी बालों पर लगाना है और 5 मिनट तक अपना स्कैल्प को मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपको ये 15 से 20 मिनट तक आपके बालों पे ऐसे ही रखना होगा। फिर आप नॉर्मल पानी से अपने सर को धो सकती हो। अब ये कितना दिन हफ्ता में करना है ये भी मैं बताती हूँ, इसे आपको हफ्ता में 2 दिन करना है। अगर आप 1 महीना इस टिप्स को फॉलो करोगी दोस्तों तो फिर आपके बाल दुगने लंबे हो जाएगा। आप वो सोच भी नहीं सकती हो कि कितना लंबा हो जाएगा। पहला वाला टिप्स था कि बाल अगर झड़ रही है तो आप उस वाला टिप्स को करना, और बाल अगर लंबा चाहती हो तो आपको इस वाला टिप्स को करना है। तो यही है आज के मेरा टिप्स दोस्तों। कैसा लगा टिप्स, अगर अच्छा लगे प्लीज़ इस टिप्स को शेयर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।